गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ एन एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स को हम क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स, वो प्लांट्स इनके फ्लावर बनते हैं। और इस साइकिल में फ्लावर से किस तरह से सीड्स बनेंगे और फर्दर फ्रूट कैसे डिवेलप होगा। सो अगेन दिस साइकिल इज मेड अप ऑफ टू जनरेशंस, दैट इज नोन एज द अल्टरेशन ऑफ जनरेशंस। इन द फिगर ऑन राइट हैंड साइड यू कैन सी गैमेटोफिटिक जनरेशन, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं, और सेकंड जनरेशन का क्या नाम है? स्पोरोफिटिक जनरेशन, जिसको हम 2N से डिनोट करते हैं। नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन द फ्लावर। फ्लावर आपको दिख रहा है सेंटर में, तो कल हमने फ्लावर के पार्ट्स किए थे। आई थिंक नाउ स्टिग्मा स्टाइल ओवरी एंथर एंड फिलामेंट इज क्लियर विद यू। सो व्हाट इज एंथर एंड फिलामेंट? What will happen? इसमें जो एंथर है, एंथर में क्या है? पोलन ग्रेन्स है। हाँ, दिस इज द फ्लावर, राइट? एंड सेंटर पार्ट इज द स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। यू कैन सी ओवर हेयर, दिस इज स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। एंड द अदर पार्ट, दिस पार्ट इज नोन एज द एंथर, राइट? एंथर एंड फिलामेंट यू कैन सी ओवर हेयर, दिस इज द एंथर एंड फिलामेंट। एंथर कंटेन्स व्हाट? पोलन ग्रेन्स, ठीक है। अब ये जो पोलन ग्रेन्स हैं एंथर के अंदर, वो मैंने आपको मेथड लास्ट टाइम बताया था, वो हम कैसे देखेंगे? फ्लावर को अपने हाथ के ऊपर टैप करेंगे, टैप करने के बाद दूसरे हाथ से फील करेंगे, तो जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिकली दे आर द पोलन ग्रेन्स। अब ये जो पोलन ग्रेन्स हैं, ये कहाँ आके फॉल करेंगे? ये स्टिग्मा के ऊपर, राइट? ऑन द स्टिग्मा। और स्टिग्मा के ऊपर जब पोलन ग्रेन्स फॉल करेंगे, दे विल जर्मिनेट, राइट? जर्मिनेट होने के बाद, नाउ कमिंग टू दिस पर्सन, दिस साइड, दिस इज द माइक्रोस्पोरेंचियम एंड दिस इज द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। दिस इज द माइक्रोस्पोरेंजियम कॉल द माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स आर बेसिक कंटेन द पोलन ग्रेन्स, ठीक है। ये पोलन ग्रेन्स कहाँ से आए हैं? एंथर के अंदर क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या है? माइक्रोस्पोर है। माइक्रोस्पोर के अंदर क्या है? पोलन ग्रेन्स। अब ये पोलन ग्रेन्स जब फॉल करेंगे, कहाँ पे फॉल करेंगे? ये पोलन ग्रेन कहाँ पे फॉल करेगा? ये फॉल करेगा स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है। स्टिग्मा के ऊपर करेगा। स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी इज द फीमेल पार्ट, एंथर एंड फिलामेंट इज द मेल पार्ट। अब ये जो पोलन ग्रेन्स जब स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट करेंगे, दे विल मेक अ ट्यूब, राइट? दिस इज मेल गैमेटोफाइट। यू कैन से दिस टू गैमेट्स, दैट पोलन ग्रेन्स विल कम। एंड नाउ कॉन्सेंट्रेट ओवर हेयर, दिस इज द व्हाट विल हैपन, जे ट्यूब के थ्रू, ठीक है, दिस इज थ्रू द ट्यूब, इट विल स्टाइल से होते हुए, देखो ये ट्यूब यहाँ पे जर्मिनेट होगी, स्टाइल से होते हुए कहाँ जाएगी? ओवरी के अंदर अव्यूल्स को। अव्यूल्स को क्या करेगी ये? एग क्या करेगी? ये फर्टिलाइज होएगा। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा? फर्टिलाइजेशन के बाद ये एक स्टेप जो है गैमेटोफिटिक जनरेशन जो है, जहाँ पे गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स जो है वहाँ पे एंटर हो गए। कहाँ पे एंटर हुए? दैट इज एंटर टू द एग पार्ट। एग पार्ट को इन्होंने जो अव्यूल्स थे उनको क्या वहाँ पे बन गए, दैट इज़ फर्टिलाइज द एग्स। एग्स फर्टिलाइजेशन के बाद जो ये अव्यूल्स है, दैट विल डिवेलप इन टू द सीड्स, राइट? एंड नाउ द अदर फेज, दैट इज़ द स्पोरोफिटिक फेज, इसमें क्या है? दैट विल डिवेल्प इन टू अ जायगोट। जायगोट विल गिव राइज टू एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो क्या है? एक स्पोरोफिटिक फुल फ्लैश प्लांट को प्रोड्यूस करेगा। नाउ आई मेक यू थ्योरी ऑफ दिस।
the transfer of pollen grains or pollen grains are the microspores. Pollen grains को हम microspores भी बोलते हैं. To the receptive area of megasporophyll or stigma. ठीक है, इसमें क्या है कि पोलो जो pollen grains हैं वो किस पे फॉल करेंगे, स्टिग्मा पे फॉल करेंगे. इस प्रोसेस को हमने क्या बोलना है, पॉलिनेशन. ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, जिसमें पोलन ग्रेन जो है एक फ्लावर के रीच द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर. ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन. और जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो किससे होती है, विंड से. ठीक है, विंड से जो होती है, विंड से मतलब हवा से उड़कर जो पोलन ग्रेन्स हैं स्टिग्मा के ऊपर गिरेंगे तो उसको हम बोलेंगे एनिमोफाइली. राइट, और जो एंजियोस्पर्म्स हैं उसमें विंड पॉलिनेशन और एनिमोफाइली जो है वो भी होती है. इन मोस्ट ऑफ प्लांट्स क्या है, पॉलिनेशन इज अफेक्टेड बाय एनिमल्स, मतलब इंसेक्ट्स से भी होती हैं. मतलब इंसेक्ट्स, सपोज कोई बी है, हनी बी है, वो एक फ्लावर पे बैठी और उसमें क्या हुआ, जो पोलन ग्रेन्स हैं विद द हेल्प ऑफ विंग्स, उसके कुछ एक विंग्स को लग गए उसकी हैंड्स में, या जो उसकी टेल्स हैं या फिर उसकी टेल फाइबर्स हैं, इन सब पे क्या है, जो पोलन ग्रेन्स है, जब वो इंसेक्ट दूसरे फ्लावर पे जाके बैठेगा, स्टिग्मा पे जाके बैठेगा, तो उसको क्या करेगा, एक तरह से पॉलिनेशन में हेल्प करेगा. ऐसे वॉर्म्स हैं, बर्ड्स हैं, बैट्स, इवन बैट्स जो हैं वो भी क्या करते हैं और इस पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं. इवन ह्यूमन बींग्स, जैसे मान ली हैं, जब आपको गार्डनिंग का शौक है, आपने एक फ्लावर को हाथ लगाया, सपोज आपके हाथ में क्या है, पोलन ग्रेन्स है, तो वो अगर आपने दूसरे प्लांट को जाकर टच किया तो वो आपके हाथ हैंड से जो पोलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा पे चले जाएंगे. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन. अब आफ्टर फॉलिंग ऑन द स्टिग्मा, स्टिग्मा के ऊपर फॉल करने के बाद द पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट. ठीक है, जर्मिनेट करेंगे एंड डिवेलप अ पोलन ट्यूब, एक पोलन ट्यूब बनाएंगे और ये पोलन ट्यूब जो है वो स्टाइल से होते हुए ओवरी में एंटर करेगी. वहाँ पे जो ओव्यूल्स हैं उनको क्या करेगी, फर्टिलाइज करेगी. ठीक है, नाउ दिस प्रोसेस कि यहाँ पे जब स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन आके गिरा तो वो ये स्टाइल के थ्रू होते हुए ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स हैं उनको क्या इसने कर दिया, फर्टिलाइज कर दिया. ठीक है, दिस इज़ द प्रोसेस. एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल मैच्योर इनटू सीड्स. ठीक है, जो ओव्यूल थे ओवरी के अंदर वो क्या बन गए, सीड्स बन गए. और जो ओवरी थी वो क्या बन गई, ये जो सीड्स थे ये ओव्यूल जो है, ओव्यूल क्या बने, ओव्यूल बन गए सीड्स. जैसे हाँ, दिस इज क्लियर. ओव्यूल क्या बन गए, ये सारे सीड्स बन गए. और ये जो ओवरी पार्ट है, हाँ दिस ओवरी पार्ट है, ये किस में डिवेलप हो गया, फ्रूट में. सो ओवरी डिवेलप इनटू अ फ्रूट, सीड राइपन्स इनटू अ फ्रूट एंड द नेम एंजियोस्पर्म फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स इज डराइव्ड फ्रॉम देयर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हैविंग कवर्ड सीड्स. इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं कि जो एंजियोस्पर्म्स में है वो वाले फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जिनके जो सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं और वो फ्रूट के अंदर ही रहते हैं. सो जो फ्रूट है वो क्या करता है, सीड्स को प्रोटेक्ट करता है. तो जो जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं उनमें भी क्या है, उनके जो फ्लैशी पार्ट है कई बार उनके साथ स्टिक करता है, या कई बार सीड जो है वो सेपरेट होता है, लेकिन हमेशा सीड जो होता है वो क्या होता है, कवर्ड रहता है. किससे, जो फ्लैशी राइपन फ्रूट्स होता है. तो इससे क्या होता है कि जैसे बर्ड्स हैं, बर्ड्स जैसे कुछ एक फ्रूट्स को खा लेते हैं, उनके अंदर क्या चले जाते हैं, सीड्स चले जाते हैं. बर्ड्स का स्क्रीटा जो है, जो एनिमल्स हैं वो खाते हैं, फ्रूट्स को खा लेते हैं, तो उनका जो स्क्रीटा है, जो हम लोग हैं, जैसे हमने फ्रूट खाया उसके बाद जो सीड्स नहीं हम खाते तो उसको हम क्या है, डिस्पर्स कर देते हैं, जब एक जगह से दूसरी जगह जो है ये जो सीड्स चले जाते हैं, तो दे विल डिवेलप इनटू अ न्यू प्लांट. सो दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स, किस तरह से एक फ्लावर से सीड्स बनते हैं और फ्रूट्स बनते हैं. सो आई होप दिस इज़ क्लियर विथ यू. इफ़ एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम. And please draw this cycle in your notebooks. Thank you.